हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और खबर खेल की है। आईपीएल की तर्ज पर एसपीएल का आयोजन मेरठ जिले के सरदना के कृषि उत्पादन मंडी समिति के ग्राउंड पर हो रहा है, जिसमें आज के मैच में एसकेआर ने सरदा नाइट राइडर की ओर से 9 विकेट पर 187 रन का स्कोर किया गया, जिसमें ललित उर्फ लल्ला ने 36 बॉल पर 10 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 91 रन बनाए। जवाब में उतरी एसकेपी की टीम 167 रन ही बना सकी, जिसमें मोइन ने 53 और आबिद 35 रन ही हाईएस्ट स्कोर बना सके। एसकेआर की ओर से सचिन ने 4 विकेट लिए और आशु ने 3 विकेट लेकर एसकेआर को 20 रन से जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच ललित उर्फ लल्ला को दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर महेश सोम, मंजूर मलिक, सभासद अफजाल मलिक, मंगूलाल चेयरमैन पुत्र शावेज अंसारी, सोनू एडवोकेट, रिहान आदि मौजूद रहे। इसके अलावा दर्शकों ने मैच का काफ़ी लुत्फ़ उठाया और ये आईपीएल की तर्ज पर जो सरदना में टूर्नामेंट हो रहा है, इसकी सभी ने सराहना की और इस तरह के आयोजन से प्रतिभाएं निखर के सामने आ रही हैं। और जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में बॉलर और बैट्समैन यहां अपने जौहर दिखा रहे हैं, वो वाकई देखने लायक है और काफ़ी काबिले तारीफ है। आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। परवीन गुलाटी जी का माला डालकर स्वागत करें। सैयदुल हक जी, पंकज मलिक जी का माला डालकर स्वागत करें। पंकज मलिक जी का स्वागत करें। सैयदुल हक रिहान आलम समीर काजी जी का माला डालकर स्वागत करें। फरमान अंसारी जी मंजूर मलिक जी का माला डालकर स्वागत करें। उनको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर महेश सोम साहब, आज एसपीएल की तरफ पे जो सरदना में टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें आप चीफ गेस्ट के तौर पे बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये सरदना के इतिहास में शायद पहली बार है कि जो कोरोना पीरियड के बाद इतने बच्चों को, इतने लोगों को हम हंसी खुशी देख पा रहे हैं। नहीं तो सभी लोगों के मन और ये दुखी हो चुके थे। सब लोग जो भी बाहर निकले, भाई अंदर जाओ, कोई मुंह बंद करो, कोई हाथ धो, इसके अलावा कुछ कोई बात नहीं होती। आज जो हम जो देख पा रहे हैं, हम लोग प्रधान जी, हमारे गुलाटी जी, मलिक साहब, हमारे दूसरे मलिक साहब, मेंबर साहब, सब लोग खुश हैं। सारे लोग यही खुशी हमें हिंदुस्तान में चाहिए थी, जो हमारे सरदने ने पहल की है और बिना टिकट की है। हर चीज का एक टिकट होता है, या कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आपस में मिल रहे हैं, खुशी खुशी मिल रहे हैं। इसका बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों को भी, जिन्होंने 91 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच लिया है, और दूसरे भाई ने हमारे 4 विकेट लिए, इनको भी हम जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा हमारे जो बर्थडे बॉय है, आगे बर्थडे बॉय फरमान, इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और भगवान इनको लंबी उम्र दे और ऐसे खेलों का आयोजन हमेशा होता रहे। मंगूराम जी, क्या कहना चाहेंगे एसपीएल की तरफ पे जैसे सरदना में टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है, सबसे पहले और ये जो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा संयोजकों का, जिन्होंने एक ऐसी पहल करी सरदना के अंदर कि हमारे जो युवा बच्चे हैं वो एक निखर कर सामने आएंगे। और मैंने देखा है, आज मैच में देखा है कि बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे, जो बड़ा अच्छा खेल दिखा रहे थे आज, मैंने देखा है, तो एक अच्छी पहल है ये। और मैं बार बार धन्यवाद अदा करना चाहूँगा संयोजकों का, उन्होंने इस मैंने एक पहल की सरदना के अंदर, तो इससे बच्चों का विकास होगा।
जी त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? गुलाटी जी, गुलाटी जी मलिक, मुझे ये सबसे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो मैं ग्राउंड की तारीफ करूंगा कि ये ग्राउंड इतना बड़ा ग्राउंड सरदन में आज मैंने पहली बार देखा है। बहुत अच्छा ग्राउंड जिसमें से बच्चों की प्रतिभाशाली निकलेगी और बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ उपस्थित होकर बड़ी खुशी का महसूस हो रही है। एक जो है प्रोत्साहन जो नए युवाओं को दिया गया है, हर क्षेत्र में इस तरह का प्रोत्साहन अगर युवाओं को मिलता रहेगा तो ये इनकी कला जो है, हर एक में कला कुछ ना कुछ है, वो ऊपर पहुंचेगी। तो हमें सबको मिलकर ऐसे आयोजन और ऐसा प्रोत्साहन समय समय पर करना चाहिए। मंजूर मलिक साहब, आप यहाँ जो ये टूर्नामेंट को देख रहे हैं और जिस तरह से जितनी कामयाबी के साथ ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो पहले तो आप सब लोगों को बधाई पूरी टीम के लिए, और इसमें जो कमी रह गई हो या कोई शासन प्रशासन या जो खेल प्रतिष्ठान है उनकी तरफ से, तो हमारी टीम ये चाहेगी कि हम वहाँ तक आपकी बात पहुँचाएँ। और जो हमारा उत्तर प्रदेश खेल प्राधिकरण है या जो देश की जो युवाओं के लिए खेल के लिए प्रतिभाएं खोजने का काम है, वहाँ तक इन प्रतिभाओं को पहुँचाने का काम करेंगे। आप अपने विचार बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इसके आयोजक हैं सावेज अंसारी, फरमान सभासद अफजाल मंजूर और जो भी इनकी पूरी टीम है, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ये पहल की है। और ये पहल खेल के हिसाब से ही नहीं बल्कि के एक भाईचारे का भी इसमें मिसाल कायम हुई है कि इसमें सभी धर्मों सभी जाति के लोग एक साथ देख भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ हमारे लिए नहीं हो सकती। हम लोग हंसे खुशे, और मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से भी, चाहे मुझे इसके लिए तन मन धन कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े, जो लड़के इसमें हैं उन्हें जो आगे बढ़ने वाले हैं उनकी हम हर तरीके से मदद करेंगे, ताकि हमारे सरसना कस्बे का नाम, आसपास के गाँवों का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम आगे बढ़े। और मैं दुआ करता हूँ इन सबके लिए कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके कामयाबी की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत। सावेज अंसारी साहब, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, सभी ने सराहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, एक छोटी सी कोशिश थी हमारी, जो हमें शुरू में डिमोटिवेशन भी करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, गलत, लेकिन बाद में आके हमने इसकी हिम्मत करी और हमारी पूरी टीम ने बड़ी हिम्मत के साथ इसकी शुरुआत की। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा SPL यहाँ नगर को होते हुए नज़र आ रहा है, और आज 10 मैच हो चुके हैं, हाफ हो चुका है, और आप देख रहे हैं कितना सफलतापूर्वक ये हमारा जा रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी बहुत सफल होगा। खेल आपस में प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं, खेल तंदुरुस्ती के साथ साथ जो है मानसिक विकास भी करते हैं, और खेलों से हमने देखा है कई देशों के अंदर दोस्ती होती है, दुश्मनों में भी दोस्ती हो जाती है, खेल की ऐसी मिसाल नहीं है। तो ये खेल करा करके आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई अगर सहयोग की ज़रूरत है तो सरदना के लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, हमें नगर के हर गणमान्य व्यक्ति से लेकर एक आम नागरिक तक का यहाँ सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर साहब हमारे हर 24 घंटे हमारे हर मैच में यहाँ आते रहते हैं, मंगू प्रधान जी हैं, इनके अलावा हमारी जो पूरी कोर कमेटी है, चाहे वो नगर के हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो ईसाई समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, आपको इस फील्ड में हर समाज के लोग और हमारी कमेटी में हर समाज के लोग आपको मिलेंगे। और ये संदेश देता है कि ये एक कम्युनिटी भाई हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक रही है और हमेशा ऐसी बनी रहेगी। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को शानदार SPL कराने के लिए। जी हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस बड़े हर्षोल्लास की बात है कि हमारे सरदना में IPL मैच की शुरुआत हुई और हर साल आगे भी खेला जाएगा। इसी के लिए मैं आप शावेज भाई को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ और सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।